हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में समझेंगे गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया क्या है, हम देख रहे हैं इसमें थैलेमाइड, थैलिक एमाइड। मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ, एमाइड CONH2 ये एमाइड क्रियात्मक समूह है, हम जानते हैं जो थैलिक अम्ल है, अगर बेंजीन की इस रिंग में दो अम्ल क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हो, C डबल OH, दो अम्ल क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हो, तो इसे कहा जाता है थैलिक अम्ल, अब अगर यहां देखें हम, इससे ये OH को, ये दो OH को हटाकर और इसके स्थान पर ये CO, इससे अगर सपोज मान लो ये COOH2, इसको हम CO, अगर इसके स्थान पर इसके साथ में जुड़ा हुआ हो NH, देखें CONH2, ये एमाइड क्रियात्मक समूह हो गया। अगर इस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को हटाकर ये CO भी इसके साथ जुड़ जाए, तो ये बना थैलिक एमाइड। हम गैब्रियल थैलेमाइड जो अभिक्रिया है, इसके द्वारा प्राथमिक एमिन का निर्माण किया जाता है, इसमें जो पहला अभिकारक है, वो है यही थैलिक एमाइड। अब जब इस थैलिक एमाइड को प्राथमिक अभिकारक के रूप में लेते हैं, ये हम थैलिक एमाइड को प्राथमिक अभिकारक के रूप में ले रहे हैं, थैलिक एमाइड, बेंजीन की रिंग CO, और इससे इन दोनों से जुड़ा हुआ होता है NH, ठीक है, ये है थैलिक एमाइड या थैलेमाइड, ये थैलेमाइड है। इस थैलेमाइड की अभिक्रिया अगर एल्कोहलीय KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कर दे, लेकिन इस KOH को हम सुविधा के लिए इस प्रकार लिख सकते हैं HOK, ठीक है, अगर इसको गर्म किया जाए, तो गर्म करने पर इसमें से ये OH और H मिलकर जल के एकड़ों का निर्माण कर अलग हो जाते हैं, जिससे इस H को स्थापित करके और उसके स्थान पर K जुड़ जाता है, K जुड़ा तो हम देखें अभिकारक बनेगा CO, इससे जुड़ा है H, और साथ में इस H को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर K जुड़ गया, तो अब इसे ये के पोटेशियम थैलेमाइड बना। अब ये जो पोटेशियम थैलेमाइड बना, इस पोटेशियम थैलेमाइड CO CONK, ये पोटेशियम थैलेमाइड है। इस पोटेशियम थैलेमाइड की अभिक्रिया अगर हम किसी भी एल्किल हैलाइड से करते हैं, R एल्किल है और X कोई भी हैलोजन है, तो R X एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र होता है RX, R के स्थान पर कोई भी एल्किल समूह और X के स्थान पर कोई भी हैलोजन, ठीक है, तो ये K और हैलोजन क्रिया करके बना लेते हैं KX पोटेशियम हैलाइड। अगर हम इसके स्थान पर आयोडीन लेंगे तो बन जाएगा पोटेशियम आयोडाइड, ओके, क्लोरीन लेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड। इस प्रकार इस पोटेशियम को प्रतिस्थापित करता है और उसके स्थान पर R जुड़ जाता है, जिससे बन जाता है ये बेंजीन की रिंग, इससे जुड़ा है CO, इस N से इस K को प्रतिस्थापित करकर R जुड़ जाता है, ये R है एल्किल, ये बन गया एल्किल थैलेमाइड। प्रथम पद में थैलेमाइड से एल्कोहली KOH की क्रिया करवाई तो पोटेशियम थैलेमाइड बना, और ये पोटेशियम थैलेमाइड की क्रिया जब किसी एल्किल हैलाइड से की गई तो एल्किल थैलेमाइड बना। अब इस एल्किल थैलेमाइड का, ये जो एल्किल थैलेमाइड बना है, हम इस एल्किल थैलेमाइड, ये एल्किल थैलेमाइड जो बना, देखिए आप, ये बेंजीन की रिंग, में CO और इससे जुड़ा है NR। अगर इस एल्किल थैलेमाइड की का जल अपघटन, अगर हम अम्लीय माध्यम में कर दें, तो देखें आप, यहां इस जल से CO
CO। इस जल से जल OH और एक H का स्थापन होता है, ठीक है। यहां से ये जो OH है, एक O एक H, एक O एक H, ठीक है। तो ये दो जल के अणु में से दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन इस स्थान पर जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखें, ये R और N का प्रतिस्थापन हो गया, तो R N और दो ये हाइड्रोजन मिलकर बना लेते हैं RNH2, ये बना प्राथमिक एमिन, और ये जो हुए ये कहलाएगा थैलिक अम्ल। तो गैब्रियल थैलिमाइड की अभिक्रिया में जो अंतिम उत्पाद बना है वो प्राथमिक एमिन बनता है, और अभिक्रिया तीन पदों में होती है। इससे स्पष्ट है कि जो गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया है वो तीन पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में थैलिमाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके पोटेशियम थैलिमाइड बनाता है। पोटेशियम थैलिमाइड की अभिक्रिया जब हम किसी भी एल्किल हैलाइड से करते हैं तो एल्किल थैलिमाइड बनता है, और एल्किल थैलिमाइड का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर प्राथमिक एमीन और थैलिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें।